हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल विजयम दारा ढोलक में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर आपको मैं आज भजन ताल बताने वाला हूँ। भजन ठेका कैसे बजाना है आपको, तो यह सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस समय, क्योंकि इसको आप आरती में बजा सकते हैं, भजन में बजा सकते हैं। तो आइए देख लीजिए ये किस प्रकार से बजता है। लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं आपको, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा करके आल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का लेसन है भजन ताल। कौन सा भजन ताल? तो मैं आपको थोड़ा सा बजा करके दिखाता हूँ। बोल क्या है? धिन्ना धिन धिना धिन्ना तिन तिना, धिन्ना धिन धिना धिन्ना तिन तिना। कैसे? तो ये है आज का लेसन होने वाला। तो आइए पहले चाटी की तरफ देख लीजिए। धिन्ना धिन धिना धिन्ना तिन तिना। कैसे? तीन। इस प्रकार से आपको इस पहली फिंगर को ये इस प्रकार से आपको हल्के हाथ से एकदम बजाना है। तीन ना तिन्ना तिन्ना, यहां पे स्ट्रोक देना देना है एकदम किनार पे। धिन्ना धिन धिना धिन्ना तिन तिना। अब ये धिन्ना जो दूसरा बज रहा है, इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको बाउंस करके यहां पे रख देते हैं, तो ये थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ा देता है, सुनने वालों के लिए बड़ा ही आनंददायक होता है। तो कैसे बज रहा है ये? तिन्ना तिन तिन्ना, ये तिन्ना तिन तिन्ना, तिन्ना तिन तिन्ना, तिन्ना तिन तिन्ना, यही चलन है इसका। तिन्ना तिन तिन्ना तिन्ना तिन तिन्ना तिन्ना, यहाँ पे इस तिन और ना के बीच में हल्का सा गैप आ रहा है, इसको विशेष तौर से ध्यान देना है। तिन्ना तिन तिन्ना ये, और दूसरे वाला जो ना तिन तिन्ना, ये तिन तिन दो बार बज गया, तो ये गैप भर गया आपका। पहले क्या था? तिन्ना तिन्ना, ये तिन जो लंबा खींच रहा है, इसी को दूसरे बार जब हम दो बार बजा दे रहे हैं, तो ये जो लंबा बोलते हैं तिन्ना, ये तिन तिन्ना, ये गैप भर गया। तो ये गैप को समझना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तिन्ना तिन तिन्ना तिन्ना तिन तिन्ना, ये अब इसके साथ बेस ऐड करते हैं। धिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना, फिर धिन धिन्ना। जितनी बार तिन आ रहा है पहले, उन तीनों तीन के साथ आपको बेस बजाना है। धिन्ना धिन धिन्ना, फिर क्या है? धिन्ना तिन तिन ना। बेस कहाँ पे आ रहा है? केवल तीन के साथ, और कुछ नहीं इसमें। धिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना। अब इसका बजाने का अंदाज जो है, वही आपको समझना है, और बोल तो आप समझ गए होंगे। तो आइए बेस की तरफ से देख लीजिए। ये धिन्ना धिन्ना धिन धिन्ना, ये पहला हो गया। धिन्ना धिन धिन्ना
ये जब दूसरी बार धीन बजा रहे हैं, आधे में, आखिरी के आधे में, तो क्या ये इसको बाउंस करना है कैसे? हिट किया, हिट करने के बाद ये हथेली आपको उठा करके यहाँ इसके बाउंस को काट देना है, इसकी गूंद को यहाँ पे टच कर देना है बस। धिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना तिन तिना धिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना तिन तिना, इस प्रकार से अभी आप आरती में बजा सकते हैं। और इसको इसमें एक तिहाई आती है इस भजन ताल के साथ, वो भी समझ लीजिए कैसे है। ये ये इधर आपको टच करना है बस, बहुत हल्के हाथ से, और इधर ओपन बेस, ये ये कैसे तिहाई बजाया? धी धिन ताक, ये ताक, ये का जो बोल रहे हैं ताक, ये हल्का सा ग्रेस लेना है आपको ताकि ये बीच में मिस ना हो। धी धिन ताक धिन्ना धिन्ना तिन तिना, ये स्टार्ट हो गया फिर से ठेका। तो आइए थोड़ा स्पीड बजाते हैं। ये था दोस्तों आज का लेसन, आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। आप इसको तैयार करें, आपके बहुत काम आने वाला है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो लोग सीखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और पैटर्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।